को इकबाल रजवी करके अपने आप को इकबाल रजवी बता रहा है और उसने सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह में फेसबुक वगैरह में एक अपना बयान दिया है ना कि सूरत में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मेम्बरों ने उसको पकड़ा, बाइक को लिखाया, आपको पसी मांगी और किसी घर में या कोई रूम में ले गए और तकरीबन 25 मिनट तक करंट देते रहे और उसके बाद वो ये कहता था कि ये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मेम्बरान मुझसे ये कह रहे थे और अफजल रज़ा को आका मानता है या नहीं, अफजल रज़ा को आका मानता या नहीं, इस तरह का एलिगेशन ड्रामा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हुजूर आला हजरत के लिए भी ऐसे बहुत से ड्रामे हुए, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आज़म हिंद के लिए भी ड्रामे हुए, मुफस्सिर कुरान के लिए भी ड्रामे हुए, ताबिउ शरिया के लिए भी हुए, मगर क्या कहां गए वो ड्रामे वाले, आज उनके स्टेज कहीं सलामत नहीं है। बेशक तो इन सारे भाइयों से, बुजुर्गों से, सूरत वालों से, गुजरात वालों से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये हकीर फकीर मरकजी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का सेक्रेटरी है। बेशक 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 मरकजी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का सेक्रेटरी है। वो सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि गुजरात में जहाँ जहाँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की शाखें हैं, किसी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के एक भी मेंबर या रुकन की कोई फरियाद नहीं है। बेशक बेशक और सूरत में अगर कोई दिल दहाड़े तो जो एड्रेस दिया है ये मेरे ख्याल से हुजूर साहिबे विलायत में यहाँ आराम फरमा है, इनका मजार पुरनवार है, इसके आसपास का एड्रेस दिया है। तो ये ऐसा इलाका है कि रात को 2 बजे भी निकलो तो यहाँ लोग सोते नहीं है, पूरे शहर में 11-12 बजे बाद सन्नाटा होगा, मगर यहाँ निकलोगे ना लोग जानते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिल्ला में कोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे, शहर में नबी हो गए खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, जिसके खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम दर से सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, हमारे भाइयों का विदा जैसा हो गया, नमाज के लिए कहेंगे तो और क्या करें, आपने यहाँ कहाँ से खुले, आंख पर वो इतना डालते हो रात को 3-3 बजे तक, ला यानी कोई मीनिंग नहीं, कोई काम नहीं, बहरहाल अल्लाह ताला सबको नेक तौफीक अता फरमाए। दिन में यहाँ से बाइक पर उसका बयान है ये बिल्कुल गलत है और ऐसे गलत बयान की हम मजम्मत करते हैं। और जहां तक सवाल है कायदे मिल्लत हुजूर अल्लामा अफजल रज़ा साहब की आकाई को मानने की, तो पूरी दुनिया में करोड़ों ताबिउ शरिया के लगते जिगर कायद मिल्लत अफजल रज़ा को आका मानने वाले हैं। बेशक जैसे झूठों की जरूरत नहीं है, बेशक तुम जैसे एलिगेशन करने वालों की जरूरत नहीं है, अज्जद मियां का विकार कोई मामूली विकार नहीं है, ताजु शरिया जाने से पहले अज्जद मियां के सर पर विकार का ताज रखते हैं। मैं हाफिज बहीन साहब और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जिम्मेदार सूरत के और मदरसाए रियाए अख्तर के जिम्मेदार नाज़िमो निगरान मुफ्ती इस्माइल अमजदी साहब, आली जनाब हाजी यूसुफ साहब और दिगर मेहमान से कहता हूँ कि मेरा ये बयान आप दे दीजिए ऑडियो जी व्हाट्सएप पे दे दीजिए जी, ठीक है। इस तरह की हिंदुस्तान में हमारी बदनामी करते हैं जी, अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए जी। और दूसरी बात क्या है कि फिजिकल जो डॉक्टर है
محفوظ سے اگر پوچھے کہ 25 منٹ کرنٹ دیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کا خود کا کرنٹ نکل جائے گا. بے شک بے شک. آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بولتا ہے, مگر اللہ والوں کے خلاف کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ جھوٹ بھی بہت جلدی لوگوں کے سامنے آتا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ ایسے ایلیگیشن کرنے والوں سے ہماری آپ کی ساری سنی مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور ایک بات میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جو